नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। 27 जुलाई को फ्रांस से चले 5 राफेल लड़ाकू विमान करीब 7000 किलोमीटर का सफर करके 29 जुलाई को भारत में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच गए। अंबाला एयरबेस को देश में भारतीय वायुसेना का सामरिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण बेस माना जाता है, क्योंकि यहां से भारत और पाकिस्तान की सीमा करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं चीन की सीमा करीब 300 किलोमीटर दूरी पर है। राफेल के आ जाने से भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता और मजबूत हो गई है। ऐसे में हमारे दोनों पड़ोसी देशों में खलबली मची हुई है। दरअसल पाकिस्तान में ये बेचैनी साफ देखी जा रही है। पाकिस्तान में राफेल को खूब सर्च किया जा रहा है। गूगल ट्रेंड से पता चलता है कि जब से राफेल ने भारत के लिए फ्रांस से उड़ान भरी है, तब से पाकिस्तान में राफेल को खूब सर्च किया जा रहा है। जिस दिन राफेल भारत पहुंचा यानी 29 जुलाई को, और आज भी राफेल को खूब सर्च किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में लोग राफेल की अपने लड़ाकू विमान F-16 से भी तुलना कर रहे हैं। इसके लिए राफेल के JF थंडर से भी तुलना खूब सर्च की जा रही है। इस दौरान पाकिस्तान में अंबाला भी सर्च किया गया है। इसमें पता चलता है कि राफेल के भारत आने से पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ी है। पाकिस्तान के हर प्रांत में राफेल सर्च किया गया है। गिलगित बल्टिस्तान, POK, बलूचिस्तान समेत इस्लामाबाद, सिंध और पंजाब में भी राफेल को खूब सर्च किया जा रहा है। दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक राफेल के भारत पहुंचने से पाकिस्तान जिस तरह से खौफ में आ गया है, उसका अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी विदेशी मंत्रालय ने राफेल को लेकर चिंता जताई है और वैश्विक समुदाय से गुहार लगाई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए कहा, पाकिस्तान ने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि वह भारत से हथियारों की प्रतिस्पर्धा को रोकने को कहे। राफेल जेट विमानों से दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ हो सकती है। भारत अपनी वास्तविक सुरक्षा आवश्यकता से परे सैन्य क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है, जो कि खतरा है। विश्व समुदाय भारत को हथियारों की दौड़ से दूर रखे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।